भोजपुरी सिनेमा के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की लोकप्रियता दिन दुनी और रात चौगुनी हो रही है। वे भाजपा के ऐसे नेता में शुमार हो गए हैं जिन्होंने भले ही लोकसभा चुनाव में जीत ना दर्ज करवाई हो, लेकिन राजनीति में उनका कद बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है आजमगढ़ चुनाव क्षेत्र में उनका लगातार लगाव और निरंतर सक्रियता परिणाम। पार्टी ने भी उनका सम्मान स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी देकर किया। निरहुआ ने मुंबई में 10 अक्टूबर को 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। मलाड पश्चिम में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर कमल सिंह, घटकोपर पश्चिम में राम सिंह और सायन किलोबिड़ा में तमिल सेल्वन के पक्ष में आयोजित जनसभा में उन्हें सुनने के लिए अपार भीड़ उमर पड़ी थी। लोग एक झलक उन्हें देख लेना चाहते थे कि जरा हम भी तो देख लें कि किस शख्स ने यूपी के पूर्व सीएम तक के छक्के छुड़ा दिए। निरहुआ ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को प्रचारित किया कि उनका वादा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुंबई के लाखों भाई बहनों को साल 2022 तक पक्का मकान मिल जाएगा, उनके आवास की समस्या को समाधान जल्दी किया जाएगा। और आपको तो पता ही है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि वो करते हैं, तो समझिए आपको पक्का मकान मिल गया। कुछ ऐसे बोलते जुगली स्टार निरहुआ के। उन्होंने कहा कि यहाँ तीन तीन पीढ़ियों से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते आ रहे हैं, उनके आवास की समस्या अब तक हल नहीं हो सकी, लेकिन अब ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, उनके लिए पक्के आवास की व्यवस्था की जाएगी। निरहुआ की एकता और प्रेम की बातें लोगों के दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि आप अलग अलग राज्यों में से आए होंगे, अलग धर्म और जाति के होंगे, आप अलग अलग बोलियां बोलते होंगे, आपकी बिरादरी होगी, लेकिन आप सभी एक ही जाति, एक ही बिरादरी और धर्म होने चाहिए, जैसे कि मेरी है। उन्होंने पूछा कि मेरा नाम जानते हैं आप लोग? मेरा नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी समझे। आप खुद को जाति और धर्म में बांधने के बजाय अपने को हिंदुस्तानी समझना शुरू कीजिए, इसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, आपके देश को आंख नहीं दिखा पाएगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव जहां कहीं भी होंगे वहां कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता, सभी जगह भाजपा की सरकार बनेगी और विकास की ही हवा बहेगी। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।